हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू सिका सो दिस इज़ क्विक रिविजन लेक्चर नंबर थ्री गाइस एंड लेक्चर को हम बहुत क्विकली शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम बट लेक्चर के स्टार्टिंग में एक बात आपसे बोलना चाहूंगा ऑल हु आर विजिटिंग ऑन द चैनल जो भी चैनल के ऊपर आ रहे हैं वीडियोज़ देख रहे हैं उनको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि दिस कंटेंट इज गुड दिस चैनल इज गुड दिस चैनल इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर करना है देखो अभी आप लोगों का तो एग्जाम हो जाएगा बट अल्टीमेटली अगर हमें मासेज में पहुंचना है वी वांट द नंबर्स ठीक है काफी बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम किस वे में हेल्प कर सकते हैं तो अभी आपकी जो प्राइमरी चीज है वो ये है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ने के अंदर हेल्प करें ओके तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसको फिर फर्दर शेयर भी करें अगर हो सके तो तो पॉलिटी के पॉइंट्स देखेंगे सबसे पहले तो फ्लो वही है जो पहले दो लेक्चर्स के अंदर था हमारा और अल्टीमेटली आपने ध्यान में रखना है कि लेक्चर्स आप का अगर एक भी देख रहे हैं अपना टाइम इसको दे रहे हैं तो सारे लेक्चर्स देखोगे तो ही अल्टीमेटली फायदा होगा ओके तो पहला पॉइंट है रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फिफ्टी टू टू सेवनटी एट जो आपका फिफ्थ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज डीलिंग विद वॉट इट डील्स विद योर यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेजिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट वगैरह सारे जो चीज़ें आ जाती हैं वो फिफ्थ पार्ट जो फिफ्टी टू टू सेवेंटी एट बेसिकली प्रेजिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट के अंदर आ जाता है आपका उसके बाद ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला जो ऑफिस है ये हमने किस से जो है बोरो किया है तो ये बेसिकली अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल के ऊपर बेस्ड है देन कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का विच डील्स विद अपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन दैट इज आर्टिकल वन ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा सा याद रखेंगे आर्टिकल सेवेंटी सिक्स जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है उसके बाद कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिक्लेयर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ठीक है सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दिस इज आर्टिकल नंबर वन ट्वेंटी नाइन ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बाद आप जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का किस बिल के लिए नहीं बुला सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए नहीं बुलाई जा सकती है उसमें इंडिविजुअली लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास कराना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सेशन का प्रोविजन नहीं होता ओके okay, सिक्किम को हिंदुस्तान का फुल ओकेज स्टेट किस अमेंडमेंट से बनाया गया था थर्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंपॉर्टेंट है सिंगल सिटीजनशिप का जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमने कहाँ से बॉरो किया है ब्रिटेन से बॉरो किया है ठीक है उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो यूनियन टेरिटरीज के साथ डील करता है दिस इज पार्ट एट कंफ्यूज नहीं होना शेड्यूल और पार्ट दोनों अलग अलग, अलग चीजें हैं उसके बाद कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूनियन और स्टेट्स के रिलेशनशिप के मैटर्स को डील करता है पार्ट इलेवन पार्ट मैंने आपको बोला है कि आपने सारे करके जाने हैं और काफी सारे पार्ट्स तो हम इन क्विक रिविजन के अंदर ही ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे उसके बाद जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी नवंबर 1946 के अंदर और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनी थी ठीक है कैबिनेट मिशन प्लान पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है पार्ट सेवेंटीन ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है आर्टिकल थर्टी वन बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये किसके साथ एसोसिएटेड नाइन्थ शेड्यूल जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सम लॉस को ओके okay? उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड है ये हमने कहाँ से बोरो किया है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है ठीक है इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द दूरिजिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव क्योंकि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो ठीक है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो बट एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है क्योंकि आप लोअर कोर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इन एस्टिमेट्स कमेटी जो होती है इसमें कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन होती है वो लोकसभा की होती है किसी भी तरह के राज्यसभा के मेंबर्स इसमें नहीं होते हैं ओके कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्रिएटेड इन 1964 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी की रिकमेंडेशन में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को क्रिएट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन्स के साथ डील करता है चाहे वो यूनियन के हैं या स्टेट के हैं पार्ट फोर्टीन किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के पार्लियामेंट की उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है अगर दैट पर्सन इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज अगर सिक्सटी डेज तक विदाउट गिविंग नोटिस विदाउट सफिशिएंट रीजन अ पर्टिकुलर पर्सन इज एब्सेंट तो उस पर्टिकुलर सीट को वेकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आ, कौन से फ्रीडम फाइटर थे जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने काफी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाला लाजपत राय इज द आंसर इंडियन पेट्रियॉर्ट जिन को एग्जीक्यूट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 के अंदर फॉर किलिंग माइकल सो द नेम इज सरदार उधम सिंह उधम सिंह को फांसी चढ़ाया गया था लंदन में जाके गोली मार दी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल आरसी दत्त रुमेश चंद्र दत्त उसके बाद आ, हिस्ट्री ऑफ द सिपाई वॉर इन इंडिया ये किताब है जॉन विलियम काई की ओके उसके बाद किसने न्यूजपेपर स्टार्ट किया था वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का न्यूज़पेपर था ओके रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन इंडिया के फाउंडर थे मनबेंद्र नाथ रॉय एम एन रॉय ओके उसके बाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस इज प्लेइंग विद बबल्स ये स्टेटमेंट किसने दिया था ये स्टेटमेंट था बिपिन चंद्र पाल का जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन को बिलोंग करते थे ओके okay, उसके बाद जीके गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया बाल गंगाधर तिलक ने okay, दीन दीनबंधु एंड्रयूज का एक्चुअल नेम क्या था चार्ल्स फ्री पार्टीशन ऑफ बंगाल सोलह अक्टूबर उन्नीस सौ फाइव को ऑफिशियली जो है एक्टिव हुआ हिस्टोरियन ऑफ आईएनसी किसको बोला जाता है पताबी सीतारमैया को ओके okay. जापान ने जब अंडमान एन निकोबार आइलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर किए थे थ्री में तो उन्होंने इन आईलैंड को क्या नाम दिया था शहीद आईलैंड एंड स्वराज आइलैंड ओके फिलोसोफी ऑफ द बॉम्बे पूछा भी जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ये किसकी किताब है भगवती चरण बोरा जेल जर्नी एंड इंडियन नेशनलिज्म ये किसके राइटिंग्स है? बिपिन चंद्र पाल बदरुद्दीन जी जो है वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1887 के सेशन में इन्होंने प्रिसाइड किया था मद्रास में ये सेशन हुआ था इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे फ्री हिंदुस्तान किसका था तारकनाथ दास क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन से इंडियन लीडर थे जिनको पॉपुलरली महामन्ना कहा जाता था सो द नेम वॉज मदन मोहन मालवीय इकोनॉमिक अफेयर्स के रिसेंटली uh, किसको एनएचए uh, का डायरेक्टर बनाया गया है प्रवीण शर्मा नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल अभी एक भारत सरकार ने लॉन्च किया था इस पोर्टल का नाम क्या है मैरीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का थीम क्या था कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे को कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन विद डेप्रीसिएशन इसको हम क्या बोलते हैं स्टैग फ्लेशन कौन सी स्टेट जो है वो पूरे तरीके से डिजिटल बैंकिंग पहली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बनी है इंडिया के अंदर केरला के के हमने करंट अफेयर्स वाली लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया था क्रोमोसोम टर्म किसने कोइन किया था वॉल्डेयर उसके बाद आ, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दो चाहे सोडियम एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पेरोक्साइड वैसे होते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेथेनोइक एसिड इज फॉन्ड नॉर्मली फाउंड इन एंड स्टिंग्स अगर चीटी काट लेती ना तभी वहां पर जलन होती है बहुत ज्यादा न्यूटन का पहले लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इज ब्लीचिंग पाउडर रेडिएशन की वजह से उसको हम रैड के अंदर मेजर करते हैं मिसलेनियस के अंदर चीफ गेस्ट सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे के इस बार प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सी ऑफ इजिप्ट हमने करंट अफेयर्स के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया है। मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉर्निंग गैब्रियल यूएस से के थे ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कौन सी डिक्लेयर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान की जिसको पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यानी कि यहाँ पर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्टेड जो इंपॉर्टेंट राइट्स ड्यूटीज वगैरह उनकी नॉलेज है तो कोलम इन केरला इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया दादा साहेब फालके अवार्ड अनाउंस हुए थे 2023 में और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखते हो यूपीएससी के ईपीएफओ के सीडीएस के सीएपीएफ के, के जो जनरली एक सेम लेवल के एग्जाम्स हैं तो वहां पर दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में से सवाल पूछे गए हैं तो सारे नहीं करने हैं सिलेक्टेड देखने हैं बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स जिसके डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री ये तो हमने पिछली बार भी देखा था बेस्ट डायरेक्टर थे आर बालकी इन्होंने चुप मूवी बनाई थी रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट एक करके मूवी थी सन्नी देओल इसके अंदर स्टार थे जी फाइव पर मिल जाएगी आपको बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट वन दो मुझे ये मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और ना ही मुझे इसके अंदर दो मैं कंसीडर uh, करता हूँ रणबीर कपूर को एक बहुत अच्छे एक्टर हैं वो लेकिन ये मूवी मुझे uh, अच्छी नहीं लगी थी बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी मोस्ट uh, प्रोमिसिंग एक्टर रिशभ शेट्टी फॉर कंटारा अगर आपने कंटारा मूवी देखी है अच्छी मूवी है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड मिला रेखा को फिल्म ऑफ द ईयर रही आर आर मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अनुपम खेर को कश्मीर फाइल्स के लिए और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री मिला है हरिहरन को बस इतने अवार्ड अगर आपको याद है ना इतने में से ज्यादा से ज्यादा वो सवाल पूछेगा इससे बाहर नहीं आएगा नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज न्यूज में थी जो मुझे लगा कि काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्पेशली इंक्लूड किया है क्विक रिवीजन में दो मैं इसको करंट अफेयर्स में भी कवर कर सकता था फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसके फाउंडर थे रबिंद्राथ टैगोर नाइनटीन ट्वेंटी वन न्यूज़ ये आई थी ये फेबररी मार्च की न्यूज़ है तब ये न्यूज़ आई थी कि इसको जल्दी ही हेरिटेज स्टेटस मिल सकता है ठीक है लिविंग हेरिटेज स्टेटस यूनेस्को से ऑलरेडी सारी एप्लीकेशन वगैरह का काम हो चुका है और ये दुनिया की पहली लिविंग हेरीटेज होगी हम इसको लिविंग हेरीटेज क्यों बोल रहे हैं जनरली जो हेरीटेज साइ मोन्यूमेंट्स होते हैं ठीक है दे आर नॉट लिविंग दे आर नॉट एक्टिव ठीक है जैसे अब वो एक सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं है ना लेकिन ये एक और एक यूनिवर्सिटी है प्रॉपर जो करेंटली एक एक्टिव एक यूनिवर्सिटी है इसीलिए इसको लिविंग हेरिटेज बोला जा रहा है ओके एंड शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर ही लोकेटेड है इंडिपेंडेंस से पहले ये कॉलेज था उसके बाद इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया था 1951 में एंड रथिंद्र नाथ टेगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे वो इसके फर्स्ट वाइस चांसलर बने थे नेक्स्ट एक और ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडिया सिंगापुर रियल टाइम पेमेंट लिंकेज तो अपने यहाँ पर यूपीआई होता है ना जैसे वैसे ही सिंगापुर में पे नाउ होता है जैसे अपने यहाँ पर यूपीआई है वैसे ही सिंगापुर में पे नाउ है तो इन दोनों कंट्रीज ने ना इसके बीच में लिंकेज क्रिएट किया है कि बेसिकली अगर आपको सिंगापुर में किसी को यूपीआई के थ्रू जैसे गूगल पे वगैरह के थ्रू आप पैसे भेजते हो ना तो वो भेजने हो तो वो अब इस लिंकेज से पॉसिबल हो सकता है इनिशियली इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेज देखेंगे यानी कि जो पैसा आ रहा है देश में या जो पैसा जा रहा है देश से और एक्सिस बैंक और डी सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंसिस को देखेंगे डेली ट्रांजेक्शन लिमिट साठ हज़ार रुपये की है विच इज अराउंड वन थाउजेंड सिंगापुर डॉलर्स ओके और अभी जो करंटली लिंकेज क्रिएट किया गया है दैट इज ओनली फॉर पर्सन टू पर्सन रेमिटेंसेज जैसे किसी को अपने रिलेटिव को पैसा भेजना है सिंगापुर से इंडिया में या इंडिया से सिंगापुर में ठीक है या जो बाहर लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा भेजना है अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम तो वो यहाँ पर थ्रू दिस ऐप कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर नेक्स्ट सुरेंद्र नाथ आपको बताया कि ये जो हम हम सारा क्विक का कंटेंट देख रहे हैं इसके अंदर मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हैं और मैगजीन में हम एक मैगजीन को नहीं फॉलो कर रहे हैं दो प्रतियोगिता दर्पण का एक बहुत मेजर रोल है बट और भी मैगजीन्स हम देख रहे हैं तो जैसे प्रतियोगिता दर्पण में ये सुरेंद्र नाथ बेनर्जी के ऊपर आर्टिकल था तो मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया क्योंकि क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जा सकता है दस नवंबर अठारह सौ अड़तालीस को कैलकाटा में ब्राह्मीण फैमिली में जन्म हुआ इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को एटीन सेवेंटी वन में क्लियर किया हिस्ट्री वाले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं उस उसमें हमने देखा था कि एक क्वेश्चन ये था कि कौन पहला भारतीय बना जिसको निकाल दिया गया था तो इनको निकाला गया था एटीन में इन्होंने पहले ये दूसरी बार पेपर क्लियर किया था पहले इन्होंने क्लियर किया तो उसमें कंफ्लिक्ट आ गया कि नहीं एज के ऊपर लफड़ा हो गया था कुछ फिर दोबारा इन्होंने क्लियर किया इनकी पोस्टिंग भी हो गई थी फिर इनको लेकिन फिर भी वहां से निकाल दिया गया था ओके और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के

टिश्यू जो आपके माउथ की इनर लाइनिंग फॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू है सब सवाल पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के अंदर कहीं ना कहीं या अलग-अलग एग्जाम्स में इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक गैस फील्ड होती है कौन सी गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है पहला वर्नेक्युलर न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा था उसका नाम था समाचार दर्पण और ये एक बंगाली वीकली न्यूजपेपर था वर्नाकुलर से मतलब सिर्फ हिंदी नहीं होता मतलब कि लोकल लैंग्वेज तो बंगाली न्यूज़पेपर था और बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी इसको पब्लिश करती थी तीनों चीज़ें याद रखनी है कौन से सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था सो गुरुमुखी वॉज इन्वेंटेड बाय गुरु, गुरु अंगद देव जी हु हुज सेकेंड सिख गुरु ठीक है सेकेंड सिख गुरु थे ये उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में होता है नागालैंड में आउटर मोस्ट पार्ट जो फ्लार का होता है उसको क्या बोलते हैं उसको हम सेपल बोलते हैं ठीक है दोस्तों सो दिस वॉज थर्ड क्विक रिविजन अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इन लेक्चर्स को अगर देखो तो सारा देखो ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे ठीक है जो आपके अंदर एक बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता कि सर ये बड़ा अंडर चैनल है इसमें व्यूज कम हैं इसमें सब्सक्राइबर्स कम हैं ठीक है थीके? ये आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो जो इस चीज को आप पूरा करोगे ओके सी यू